सेवा जोहार नन्ना बस्तरिया वट्टी दादी आओ गोंडी सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नेणता इत वीडियो ते ममो करी को अन्य पुरुष सर्वनाम के एक वचन शब्द को किस तरह से बोला जाता है। यहाँ पर हम इसको परिभाषा के रूप में समझेंगे, जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले के द्वारा किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर केवल पुरुष वाक्य दूर जिसको हम गोंडी में कहते हैं लापी या लेक के लिए किस तरह से गोंडी में उच्चारण करते हैं इस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे सीखेंगे। साथियों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पर केवल पुरुष वाक्य दूर के लिए यानि दूर को गोंडी में हम लापी या लेक कहते हैं, उसके लिए हम किस तरह से शब्द का प्रयोग करेंगे इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कोई पुरुष दूर में है यानि लापी में है तब हम कैसा शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे वह को गोंडी में ओर या वोर या ओड़ या वोड़, उसे को गोंडी में ओन या वोन कहते हैं, उसका या उसकी को गोंडी में कहेंगे ओना या वोना, उसके को गोंडी ते इंदनु ओनोर या वोनोर या ओनोर या वोनोर कहेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ उन शब्दों को आप याद करते रहिए, इससे आप लोगों का शब्द ज्ञान बढ़ते जाएगा और गोंडी बोलने में आप लोगों को बहुत सहयोग मिलता रहेगा। कुछ हिंदी गोंडी शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। कौन को गोंडी में कहेंगे कौन तुन गोंडी ते इंदनूर बोर या बोड़, बच्चा को गोंडी में कहेंगे नोना, बुला या बुलाओ या बुलाइए को गोंडी में कहेंगे केया, भेज या भेजो या भेजिए को गोंडी में कहेंगे लोहा, जमीन को गोंडी में कहेंगे जमीन तुन गोंडी ते इंदनूर नीली या नेल, हल या नांगर को गोंडी में कहेंगे नांगेल, सालाजी को गोंडी में कहेंगे हरंडू या सरंडू, बड़े पिताजी को गोंडी में कहेंगे पेपी, इस तरह से गोंडी में उच्चारण किया जाता है। यहाँ पर हिंदी वाक्य का गोंडी अनुवाद करना सीखेंगे, यानी दो शब्दों के एक छोटा वाक्य उस वाक्य को गोंडी में अनुवाद करना है और आदत में लाना है। छोटा छोटा शब्द के एक वाक्य बनाना है, जैसे वह कौन को गोंडी में कहेंगे और बोर, वह बच्चा को गोंडी तेंदनूर और नोना, उसे बुला या उसे बुलाइए को गोंडी में कहेंगे ओन केया, उसे भेज या उसे भेजिए को गोंडी में कहेंगे ओन लोहा। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाकर गोंडी में अनुवाद करना है। उसका जमीन को गोंडी में कहेंगे यानी उसका जमीन तुन गोंडी ते इंदनूर ओना नेली, उसका नांगर को गोंडी में कहेंगे ओना नांगेल, उसके सालाजी को गोंडी में कहेंगे ओनोर हरंडू, उसके बड़े पिताजी को गोंडी में कहेंगे ओनोर पेपी, इस तरह से आप लोगों को भी प्रतिदिन बोलना है और व्यवहार में लाना है। मेरा गोंडी सीखने का वीडियो पसंद आया तो कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सेवा जोहार साथियों।